जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास है पोटोनिक का टाइप सी कनेक्टर हब, और इस कनेक्टर हब के थ्रू दोस्तों अगर आपको माउस कनेक्ट करना है, पेन ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हैं, हार्ड ड्राइव लगाते हैं, कीबोर्ड लगाना चाहते हैं, तो जो भी यूएसबी आप यहाँ पे इस पे कनेक्ट कीजिएगा तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। क्वालिटी भी इसका काफी बेटर आपको मेटल में देखने को मिल जाता है। तो कैसे वर्क करता है, कितना प्राइस आपको पड़ेगा, कैसे आप परचेस कर सकते हैं, टोटल आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोटोनिक का आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा, बॉक्स इस प्रकार का मिल जाता है, मॉडल है एम पोर्ट 31C और 4 पोर्ट यूएसबी हब आपको मिलेगा, 1 साल की यहाँ पे वारंटी देखने को मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आप देखें बॉक्स काफी अच्छा पैकेजिंग आपको मिल जाता है, और इसको अगर मैं यहाँ पे जैसे निकालता हूँ तो प्रोटेक्टर में आप देख सकते हैं टाइप सी का आपको यहाँ पे हब देखने मिलेगा, टाइप सी यहाँ पे कनेक्टर देखने मिलेगा, और साथ में यहाँ पे अगर बात करें तो 3 यूएसबी हब इसमें मिल जाता है और 1 यूएसबी हब इसमें देखने मिलता है। 2.0 3 मिलेगा और 3.0 एक आपको ये देखने मिलेगा। तो अगर पेन ड्राइव से डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3.0 में अगर लगाइएगा तो स्पीड काफी अच्छा मिलेगा। साथ में बॉडी के बारे में बात करें तो मेटल बॉडी आपको यहाँ पे मिल जाता है और केबल की क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है, लेंथ भी काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या क्या आप इसमें वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें इस मोबाइल को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और ये यूएसबी हब है, और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पेन ड्राइव के बारे में, पेन ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हैं क्रिस्टल कंपनी का ये मैं यहाँ पे पेन ड्राइव यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कनेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो चुका है और इसको दोस्तों मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, और ऊपर में अगर आप देखें तो आपको किंगस्टन यूएसबी ड्राइव आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इस पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल डाटा आपको यहाँ पे पेन ड्राइव पर देखने मिलेगा, जिसको आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कीबोर्ड यहाँ पे कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो आप अगर देखें तो ये मेरे पास कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड को भी मैं आपको कनेक्ट करके फिलहाल यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं यूएसबी यहाँ पे आपको हब देखने मिला है, और इसको फिजिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी दोस्तों मैंने क्या किया, इसमें कनेक्ट कर लिया है, और कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो लाइटिंग आपको यहाँ पे ब्लिंक देखने को मिलेगा, लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो चुका है। और अगर कनेक्ट नहीं होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो चुका है, लाइट यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का यहाँ पे लाइट देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं माउस के बारे में, तो माउस को कनेक्ट कर लेता हूँ, और माउस का भी मैं आपको सेटिंग बताऊंगा कि माउस में आप क्या क्या सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं माउस भी दोस्तों मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और लाइट आपको यहाँ पे ब्लिंकिंग देखने को मिल रहा होगा, लाइट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ब्लिंक करना चालू कर दिया है। अब ये टोटल चीज करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं माउस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं माउस यहाँ पे काम कर रहा है, और माउस अगर पॉइंटर आप यहाँ पे देखें तो माउस का जो पॉइंटर है आपको काफी छोटा देखने मिला है। तो सबसे पहले माउस का जो पॉइंटर है उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे में जाऊंगा, एडिशनल सेटिंग में जाऊंगा, देन उसके बाद एसेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करूंगा, फिजिकल वाले ऑप्शन में जाऊंगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लार्ज माउस कर्सर का, इस ऑप्शन को आपको क्या करना ऑन कर देना है। और ऑन करने बाद यहाँ पे देख सकते हैं माउस का जो कर्सर है दोस्तों यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे कीबोर्ड माउस एंड ट्रैक पैड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूएसबी यूएसबी कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन को दोस्तों आपको क्या करना है, एड कर लेना है, ऑन कर लेना है। सेट अप कीबोर्ड लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिलेगा, किस लैंग्वेज में आपको यूज करना है, इस प्रकार से आपको इंग्लिश हिंदी करना है तो कीबोर्ड में आप यहाँ पे लैंग्वेज को एड कर लेना है। देन कीबोर्ड शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, शॉर्टकट आपको यहाँ पे देख मिलेगा, कौन सा कीबोर्ड में शॉर्टकट यूज कीजिएगा तो क्या ओपन होगा वो आप यहां पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन को कीबोर्ड भी अगर आप साथ में यूज करना चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कीबोर्ड को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मान लीजिए अपने चैनल को सर्च करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ देसी आईटेक, और ये लिखने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इंटर पे क्लिक कर देता हूँ,
और इंटर पे दोस्तों जैसे क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं इंटर पे क्लिक करने के बाद ये यहां पे ओपन हो जाता है। फिलहाल यहां पे देखिए ओपन हो चुका है। यहां पे टेलीग्राम ग्रुप मेरा देखने मिलेगा, यूट्यूब चैनल यहां पे देखने मिलेगा और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, फेसबुक यहां पे देखने मिलेगा, तो ये ऑप्शन यहां पे मिल जाता है। बाकी इमेज देखें तो काफी सारे आपको यहां पे इमेज भी देखने मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कीबोर्ड और माउस दोनों को आप यहां पे यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट की भी आपको मिल जाता है। अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की भी दोस्तों आप यहां पे यूज कर सकते हैं। जो मैं बाकी दोस्तों यहां पे बात करते हैं कि इसके यूएसबी हब को आप परचेस करना चाहते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा, तो इसको दोस्तों मैंने परचेस किया है 350 रुपया में और इसका लिंक मिल जाएगा, जाके डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप उस पर परचेस कर ले। काफी वैल्यू फॉर मनी है और लॉन्ग लाइफ के लिए दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी कीबोर्ड भी परचेस करना है, माउस भी परचेस करना है, तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।